वेलकम, माय नेम इज जैमिन लालवानी, फोर्थ सेम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट तोरानी एफजी पॉलिटेक्निक। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विद्या विशरिया, स्टडिंग इन तोरानी एफजी पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट फोर्थ सेम। तो आज हम सीखेंगे फुल सबट्रैक्टर का लॉजिक गेट इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि फुल सबट्रैक्टर क्या होता है, फिर हम उसका ट्रुथ टेबल बनाना सीखेंगे। अगर आपको बाइनरी सबट्रैक्शन आता है तो आप ये ट्रुथ टेबल आराम से बना सकते हैं और इसका आउटपुट भी आराम से लिख सकते हैं। फिर हम ट्रुथ टेबल के आउटपुट पे से बुलियन एक्सप्रेशन निकालना सीखेंगे, फिर उस बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके हम उसका लॉजिक गेट इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि फुल सबट्रैक्टर क्या होता है। तो फुल सबट्रैक्टर इज अ सर्किट थ्रू विच वी कैन सबट्रैक्ट थ्री इनपुट बिट्स। हम देखेंगे कि फुल सबट्रैक्टर के लिए ट्रुथ टेबल कैसे बनता है और उसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर हमें पांच कॉलम दी हुई है जिसमें हमारे पास तीन इनपुट हैं, ए बी और बी आई मतलब बोरो इनपुट, और हमारे पास दो आउटपुट हैं, यहाँ पर है डी और बी ओ मतलब डिफरेंस और बोरो आउटपुट। तो यहाँ हमारे पास पांच कॉलम हैं जिसमें तीन हमारे इनपुट बिट हैं और यहाँ हमें दो आउटपुट बिट्स मिलते हैं। अब तीन इनपुट में ए और बी वो हमारे इनपुट ही हैं और बी आई है बोरो इनपुट, और यहाँ हमारे पास तीन इनपुट के लिए एट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं और इसमें हमें आउटपुट में मिलता है डी और बी ओ। डी का मतलब है डिफरेंस और बी ओ का मतलब है बोरो आउटपुट। तो अब हम डिफरेंस और बोरो आउटपुट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे तीन इनपुट को ध्यान में रखते हुए, जैसे हमने फुल एडर में किया था, बस वही चीज़ हमें यहाँ पर लगानी है। तो जहाँ पर हमें इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए हाई आउटपुट मिल रहा है हम उस कॉलम को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ हमें डिफरेंस के कॉलम में मिल रहा है वन, तो उसके लिए हम देखते हैं हमने इनपुट में दिया है वन ज़ीरो ज़ीरो, तो क्योंकि यहाँ पर हमें जीरो के लिए बार कंसिडर करना है तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, तो ए बी बार बी आई बार। तो चलिए लिखते हैं, और क्योंकि ये एसओपी फॉर्म है तो हम यहाँ पर एडिशन की साइन देंगे और फिर हम देखेंगे। अब यहाँ पर हमने इनपुट दिया है जीरो वन जीरो, तो यहाँ पर हम एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, तो ए बार बी और बी आई बार। नेक्स्ट आउटपुट के लिए जीरो जीरो वन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बार बी बार और बी आई। ऐसे ही हमारे लास्ट आउटपुट के लिए हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनपुट में तीनों वन है तो हमें यहाँ कहीं भी बार नहीं लगाना है, तो हमारा एक्सप्रेशन होगा ए बी और बी आई। ऐसे ही सेम अब हमने ये देखा डिफरेंस के लिए, अब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे बोरो आउटपुट के लिए जो हमारी लास्ट कॉलम है, तो उसमें भी हम हाई आउटपुट ही कंसिडर करेंगे एज सेम एज डिफरेंस। तो यहाँ पर हमें हाई आउटपुट के लिए हमने इनपुट दिए थे जीरो वन जीरो, तो यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो ए बार बी और बी आई बार। फिर नेक्स्ट इनपुट के लिए नेक्स्ट आउटपुट के लिए अब हम लिखेंगे ए बार बी बार और बी आई। और तीसरे आउटपुट के लिए हम लिखेंगे ए बार बी और बी आई। और लास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों इनपुट हमारे हैं वन वन वन, तो हम एक्सप्रेशन में लिखेंगे ए बी और बी आई।
तो ये एक्सप्रेशन हमारे बनते हैं डिफरेंस और बोरो के लिए। तो चलिए अब हम इस बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और इसे रिड्यूस करते हैं। तो हम यहाँ पहले दो टर्म्स में से जो कॉमन निकलता है उसे बाहर निकाल लेंगे और जो बचेगा उसे एज इट इज ब्रैकेट में रखेंगे। तो देखते हैं यहाँ फर्स्ट टर्म में हमारे पास कॉमन चीज क्या है, तो बी आई बार कॉमन आता है तो हम उसे बाहर ले लेंगे। ये बी आई बार को हमने बाहर निकाल दिया और ब्रैकेट में अब हमारे पास क्या बचता है, तो ए और बी बार प्लस यहाँ पर हमारे पास बचेगा ए बार और बी। ऐसे ही अब हम सेकेंड टर्म में से कॉमन बाहर निकालेंगे और एज इट इज ब्रैकेट में जो रिमेनिंग है उसे रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन है बी आई बार और रिमेनिंग है ए बार बी बार प्लस ए बी। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ब्रैकेट में हमारे पास ए बी बार प्लस ए बार बी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक्स और को रिप्रेजेंट करता है। और एक्स, तो अब हम क्या करेंगे इसकी जगह पे एक्स और का सिंबॉलिक नोटेशन जो है उसे रिप्लेस कर देंगे। तो अब ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा बी आई बार और इसका नोटेशन क्या होता है, तो ए प्लस और उसके ऊपर सर्कल फिर बी। और ऐसे ही ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक्स नॉट रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे बी आई और एक्स नॉट का नोटेशन होता है ए डॉट और ए डॉट सर्कल में फिर बी। तो अब हम देखते हैं कि बोरो आउटपुट के लिए एक्सप्रेशन क्या बनता है। तो सेम चीज हमें यहाँ करनी है, तो क्या करना है, दोनों टर्म्स में से जो हमारे कॉमन निकलता हो उसे बाहर रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन चीज क्या है, तो ए बार, ये ए बार को हमने बाहर निकाला और ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा बी बी आई बार और हमारे पास यहाँ अगर हमने ए बार निकाल लिया तो हमारे पास बचता है बी बार बी आई और सेम चीज़ यहाँ। तो यहाँ हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ हम कॉमन निकालेंगे बी बी आई। तो यहाँ बी बी आई को हमने कॉमन निकाला तो अब हमारे पास यहाँ ब्रैकेट में क्या बचता है, तो ए बार प्लस ए और अकॉर्डिंग टू बुलियन्स लॉ तो यहाँ पर ए बार प्लस ए क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो अब हमारे पास बचता क्या है, तो ए बार और इसका एक्स और का सिंबॉलिक नोटिफिकेशन यहाँ पर लिखेंगे, तो बी एक्स और बी आई प्लस, क्योंकि ये वन हो जाता है तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा बी बी आई। तो ये हमारा हुआ बुलियन एक्सप्रेशन डी यानी डिफरेंस के लिए और बी ओ मतलब बोरो आउटपुट के लिए। तो फोर्थ और फाइनल स्टेप, इसमें हम सीखेंगे लॉजिक गेट इम्प्लीमेंटेशन। तो जैसा कि इससे पहले हमने सीखा कि कैसे हम ट्रुथ टेबल पर से बुलियन एक्सप्रेशन निकालते हैं और उसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इस स्टेप में हम उसी बुलियन एक्सप्रेशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे लॉजिक गेट्स में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे दो आउटपुट हैं, उनके लिए हमने यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन लिखे हैं, फर्स्ट आउटपुट डिफरेंस और सेकंड बोरो आउटपुट। तो यहाँ पे हम पहले डिफरेंस के आउटपुट को बुलियन एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डिफरेंस का बुलियन एक्सप्रेशन है बी आई एक्स और ए बी बार प्लस ए बार बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है। अभी आप नीचे के पार्ट को भूल जाइए, अभी आप सिर्फ ऊपर के इस पार्ट को देखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी आई एक्स और ए बार बी ए बी बार प्लस बी ए बार, तो यहाँ पे हमने उसका एक्स और ही किया है। तो आप सोचिए कि यहाँ पे हम कौन सा गेट लगाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे हम एक्स और गेट लगाएंगे। तो
तो यहाँ पे हम XOR के इनपुट में क्या देंगे, तो एक तो बी आई देंगे जो हमने आउटपुट में मिल रहा है, और दूसरा ए बी बार प्लस बी ए बार। तो यहाँ पे हमने इनपुट में बी आई दिया है और ए बी बार प्लस ए बार बी। तो ये जो आप टर्म देख रहे हो ये फिर से XOR ही है, तो ये किसका XOR है, तो बिल्कुल ए का और बी का। तो इसके लिए हम एक और XOR गेट लगाएंगे और उसका इनपुट हम क्या देंगे, तो ए और बी। तो यहाँ पे आप देखें हमने यहाँ पे इसको XOR के गेट को ए और बी इनपुट दिया है, जिसका आउटपुट हमें यही मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस के बूलियन एक्सप्रेशन का लॉजिक गेट इम्प्लीमेंटेशन किया यूजिंग टू XOR गेट्स। तो अब हम बोरो आउटपुट के बूलियन एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करना देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें बूलियन एक्सप्रेशन ए बार बी एक्स और बी आई प्लस बी बी आई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन लिखा है ए बार बी एक्स और बी आई प्लस बी इंटू बी आई। तो यहाँ पे हमने इसकी ओरिंग की है, तो यहाँ हम एक और गेट लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म और एक ये टर्म। तो इन दो टर्म्स को अचीव करने के लिए हमें दो एंड गेट की जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे दो एंड गेट यूज किए हैं, एक ये और एक ये एंड गेट। तो आप देखिए ये एंड गेट की मदद से हमने ए बार डॉट बी एक्स और बी आई हमने ये अचीव कर लिया है एक टर्म, और सेकंड टर्म बी डॉट बी आई। तो आप देख पहले हम इस टर्म को कंसीडर करते हैं। तो इस टर्म में आप देख सकते हैं हमने एंड गेट के लिए दो इनपुट्स दिए हैं, एक ए बार और एक बी एक्स और बी आई। तो ए बार के लिए हमने यहाँ पे नॉट गेट लगाया है, देखिए यहाँ से ए से हमने लिया है और ये नॉट गेट, और वही हमने एंड गेट के इनपुट में दिया है। और ये सेकंड टर्म है, ये आप देख सकते हैं कि ये बी एक्स और बी आई है, तो इसके लिए हमें एक एक्स और गेट की रिक्वायरमेंट होगी ये अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक एक्स और गेट लगाया है जिसका आउटपुट हमने एंड गेट में दिया है, तो हमें ये तो हम ये अचीव कर लेंगे। तो अब बी एक्स और बी आई के लिए जो हमने एक्स और गेट लगाया है उसके इनपुट में हम क्या लेंगे, तो आप देख सकते हैं बी और बी आई लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बी और बी आई इसके इनपुट में दिया है, और अब ये जो दूसरा टर्म है बी और बी आई हमें अब ये अचीव करना है। तो आप देख सकते हैं बी डॉट बी आई के लिए हमें एक और एंड गेट की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो हमें बी और बी आई को अचीव करने के लिए दो इनपुट्स देने पड़ेंगे, एक देंगे हम बी और दूसरा बी आई। तो आप देख सकते हैं इससे हमने बोरो आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन अचीव कर लिया है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फुल सबट्रैक्टर सर्किट का लॉजिक गेट इम्प्लीमेंटेशन हम इजीली कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।